टेस्टी खाना देखकर अक्सर हमारे मुंह से लार टपकने लगती है। अब यही लार या थूक खाने को अच्छे से हजम होने में भी मदद करता है। कैसे? देखिए, जब आप खाना चबाते हैं तो ये लार खाने में मिल जाती है और ऐसे में शरीर को खाना हजम करने में आसानी होती है। ये लार आती कहाँ से है, यानी आपके मुंह में थूक बनता कैसे है? ये बनता है सैलिवरी ग्लैंड में, यानी लार की ग्रंथि में। लार की ग्रंथियाँ आपके मुंह में पाई जाती हैं और साथ ही इनमें पाया जाता है कैंसर। देखिए, सैलिवरी ग्लैंड या लार की ग्रंथि का कैंसर बहुत आम तो नहीं है, पर ये किसी को भी हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि हमें इससे क्या मतलब? मतलब होना चाहिए, क्योंकि कैंसर के मामलों में हिंदुस्तान दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है, यानी इंडिया में कैंसर के थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस पाए जाते हैं। यही नहीं, ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि आने वाले अगले 5 सालों में कैंसर के केसेस 12% तक बढ़ जाएंगे। इसमें उछाल आने वाली है। लार की ग्रंथि के कैंसर की बात करें तो डॉक्टर्स का कहना है कि इस तरह के कैंसर में इलाज पूरी तरह तभी हो पाता है और अच्छी तरह हो पाता है अगर ये जल्दी पकड़ में आ जाए, जिसके लिए ज़रूरी है कि इस कैंसर के लक्षणों के बारे में लोगों को सही जानकारी हो। क्या है इसके लक्षण, आपको बताते हैं, पर पहले थोड़े बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। जानते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स कहाँ होते हैं और इनका काम क्या होता है। हमारे पास कई सैलिवरी ग्लैंड हैं। इनमें दो कैटेगरी मेजर और माइनर के नाम से जानी जाती हैं। मेजर माने बड़े सैलिवरी ग्लैंड। ये 3 पैर हैं या 3 जोड़ियाँ हैं, 2 पैरोटिड जो इधर, 2 सबमैंडिबुलर जो इधर, और 2 सबलिंगुअल जो मुंह में जीभ के नीचे पाए जाते हैं। अधिकतम लार इन ग्रंथियों से बनता है, पर इसके अलावा हमारे पास माइनर या छोटे सैलिवरी ग्लैंड भी हैं जो मुंह की त्वचा में बिखरे हुए हैं। ये 100 से अधिक होते हैं और छोटे छोटे चीनी के दाने के बराबर होते हैं जो हमारे तालू और गाल के अंदर बिखरे हुए हैं। इनका काम है लार या सलाइवा बनाना, वही थूक जो मुंह में आता है ये ग्लैंड बना। सैलिवरी ग्लैंड में कई प्रकार के ट्यूमर या रसौलियाँ उग सकती हैं। अधिकतम रसौलियाँ बिनाइन, नॉन कैंसर या कैंसर नहीं होती हैं। समझिए, 70 से 80% जो रसौलियाँ इन ग्रंथियों में उगेंगी वो कैंसर नहीं है, लेकिन 20 से 30% रसौलियाँ कैंसर या मेलिग्नेंट होती हैं। इसमें कई प्रकार के कैंसर उगते हैं। WHO जो इनको क्लासिफाई करता है, उनके हिसाब से 20 से अधिक अलग किस्म के कैंसर इन ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ये कैंसर बहुत हल्के, जेंटल, धीमी गति से बढ़ने वाले भी हो सकते हैं या काफ़ी तेज़ एग्रेसिवली बढ़ने और फैलने वाले भी हो सकते हैं। हर कैंसर समझिए एक अलग मनुष्य की तरह है, उसका व्यवहार, नेचर, एग्रेसिवनेस अलग होएगा और इसलिए इलाज भी अलग तरीके से होगा। सैलिवरी ग्लैंड का कोई ऐसा जाना माना कारण नहीं है। आज की तारीख में हम नहीं समझते क्यों एक आदमी में ये बनता है और दूसरे में नहीं। इनका लाइफस्टाइल से, आपके खान पान से, चलने फिरने, उठने बैठने से कोई संपर्क नहीं है। समझिए, इस समय किस्मत में लिखा है तो बन जाता है। हो सकता है आगे साइंस समझ पाए ये क्यों बना है और हम इनको बनने से आगे जाके शायद रोक पाए। सैलिवरी ग्लैंड में सबसे बड़ा लक्षण जो किसी कैंसर का होता है वो है एक गांठ या रसौली बनना। उसमें मरीज को लगेगा या तो मेरे कान के सामने या कान के नीचे एक गांठ पैदा हो गई है, या अगर सब मैंडिबुलर ग्लैंड में है तो जबाड़े के नीचे एक गांठ महसूस होगी। कैंसर की पहली पहचान गांठ ही है इन ग्रंथियों में। जब कैंसर बढ़ जाता है या फैलने लगता है तो उसमें और लक्षण आ सकते हैं, जैसे दर्द या त्वचा को पकड़ लेता है। इन ग्रंथियों के अंदर कई नसें दौड़ती हैं। एक उसमें नस है जो चेहरे को हिलाती है, हमारे चेहरे की जितनी मसल्स हैं वो नस हिलाती है, इसको फेशियल नर्व कहते हैं। कैंसर इस नस को पकड़ सकता है और अगर उस नस को पकड़ लेगा तो चेहरे में समझिए एक हिस्से में लकवा पड़ जाएगा। इसके अलावा एक ग्रंथि जो कई साल से पड़ी हुई है, समझिए 5, 6, 8 साल से एक गांठ मरीज को लग रहा है जो है मेरे में, लेकिन उसमें हाल में परिवर्तन आ जाए और वो तेजी से बढ़ने लगे, कई बारी ये भी कैंसर बनने की एक पहचान होती है।
अभी तक साइंस में इसका बचाव नहीं है। वो बचाव इसलिए नहीं है क्योंकि इसका कारण हम नहीं जानते। शायद जिस दिन इनके कारण जान पाए हम वो कारण को रोक करके इनसे बचाव पा सकते हैं। आज की तारीख में इसके इलाज में सबसे अच्छा हमारे पास जो मेथड वो है, इसको जल्दी पकड़ें और अर्ली स्टेज जिसे कहते हैं, मीन्स जब शुरुआत में ही है उस समय इलाज करें। सेलेबरी ग्लैंड या लाल की ग्रंथियों का कैंसर का मूल इलाज ऑपरेशन से है, जिसमें कैंसर और उसके साथ जिस ग्रंथि से यह उगा है वो ग्लैंड भी निकालना पड़ता है। कुछ कैंसर जो बड़े हैं या खासा ही एग्रेसिव या नेचर से खराब है, उनमें आगे रेडिएशन की जरूरत भी पड़ सकती है। एक बात तो डॉक्टर साहब ने खूब कही है, आज तक पता नहीं लग पाया है कि किसी को कैंसर असल में क्यों होता है, और जब तक कारण नहीं पता चल जाता तब तक इसका बचाव बताना भी मुश्किल है। इसलिए तब तक एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, स्मोकिंग शराब से परहेज करिए, नियमित रूप से एक्सरसाइज करिए, पर हाँ लक्षणों के बारे में जानकारी ज़रूर रखें ताकि अगर कभी भी आपको ऐसे लक्षण महसूस हों तो देर ना करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए अगर घर पर ही ब्लैकहेड्स निकालते हैं तो क्या गलतियाँ ना करें। चाहे जितना मुंह धो लो, फेशियल करवा लो, पर ये ब्लैकहेड्स भूत की तरह पीछे पड़े ही रहते हैं। कई लोगों को घर पर खुद से ब्लैकहेड्स निकालने की आदत होती है, अब इस चक्कर में वो फायदे से ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं। स्किन को साफ करने के चक्कर में स्किन को और ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। जिनको नहीं पता ब्लैकहेड्स क्या होते हैं, बताते हैं। हमारी स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनमें गंदगी, ऑयल और डेड स्किन इकट्ठा हो जाती है। ये सब मिलकर बनाते हैं ब्लैकहेड्स। अक्सर ये नाक और ठुड्डी के ऊपर वाले हिस्से में दिखते हैं, काले काले, बहुत ही छोटे छोटे तिल जैसे। अब अगर आप घर पर ब्लैकहेड्स निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या गलतियां ना करें और क्या करें, ये जान लीजिए। पहली चीज़, ब्लैकहेड निकालते समय 3 try rule फॉलो करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले वो ब्लैकहेड निकालने की कोशिश करिए जो बहुत ही ज़ाहिर तौर पर दिख रहे हैं। उसके बाद उन्हें निकालिए जो बहुत छोटे और स्किन के अंदर धंसे हुए हैं। अब इनको निकालने के लिए 3 try करिए। जो 3 बार में ना निकले उनको छोड़ दीजिए। साथ ही स्किन पर बहुत जोर मत लगाइए, इससे स्किन पर निशान पड़ेंगे और कुछ नहीं होगा। अगर ब्लैकहेड स्किन में बहुत अंदर तक धंसा हुआ है तो वो बाहर इतनी आसानी से निकलेगा नहीं, इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको किसी एक्सपर्ट से ही निकलवाएं। स्किन को एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी है, इससे डेड स्किन निकल जाती है, साथ ही एक्स्ट्रा ऑयल से भी छुटकारा मिलता है। ऐसा हफ्ते में 2 बार करना ज़रूरी है। इन स्क्रब्स में सैलिसिलिक एसिड होता है, अब अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो स्किन में दिक्कत हो सकती है, आपकी स्किन रफ हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, यानी और ज़्यादा ब्लैक हेड्स। आपको अपनी स्किन का जो नेचुरल ऑयल लेवल है उसे मेंटेन करना होता है। अगर ऑयल उससे कम होगा तो ब्लैक हेड्स ज़्यादा होंगे, इसलिए चेहरे को ड्राई मत होने दीजिए। एक और बात, मॉइस्चराइज़र वही इस्तेमाल करिए जिसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई ना हो। इसे दिन में कम से कम 2 बार तो लगाइए। ज़बरदस्ती ब्लैकहेड को निकालने की कोशिश ना करें, इससे स्किन छिल जाएगी। बेहतर है कि आप किसी पार्लर में जाकर किसी एक्सपर्ट से इन्हें निकलवाएं। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए नाश्ते में खाने वाले कॉर्नफ्लेक्स को और हेल्दी कैसे बनाएं। ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स बहुत से लोग शामिल करते हैं। सबका मानना है कि कॉर्नफ्लेक्स हेल्दी होते हैं। अगर वेट लूज करना चाहते हैं तो कॉर्नफ्लेक्स एक अच्छा ऑप्शन तो है ही, तो क्या वाकई ये बातें सच है? कॉर्नफ्लेक्स असल में हेल्दी होता है? क्या इसको खाकर आपका वेट लूज हो सकता है? डाइटिशियन अमृता मिश्रा का कहना है कि इसमें वजन बढ़ाने वाले तत्व नहीं होते हैं। ये कह सकते हैं कि कॉर्नफ्लेक्स वजन कम करने का एक अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। डाइटिशियन अमृता बताती हैं कि कॉर्नफ्लेक्स गेहूं से बने होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं, जबकि इनमें कैलोरी ना के बराबर होती है। यही वजह है कि लोग कॉर्नफ्लेक्स को नाश्ते के रूप में काफ़ी पसंद करते हैं। इसमें पिस्ता, बादाम और फल मिलाकर इसे और सेहतमंद बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको शुगर या फिर ब्लड प्रेशर है तो ऐसे लोगों को कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ग्लाइसेमिक कंटेंट और नमक दोनों होने के कारण ये बीपी और ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।